नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी के एक नए वीडियो में। तो रिवर की जो वीडियो थी और जो भारत के माउंटेन की वीडियो थी, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया, तो उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी नदियाँ जिनके बारे में हमने बात की है, उन्हीं के अंतर्गत जो नदी घाटी परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर नदियों का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने नदियों और पर्वतों का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आपको पता ही होगा कि नदी घाटी परियोजनाओं से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग मानचित्र के माध्यम से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम चीज़ों को देख करके सीखते हैं, टेस्ट के अलावा पिक्चर के माध्यम से सीखते हैं, तो उनको हम ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। ये सारी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। मैं आपको सारी चीज़ें एनिमेशन के जरिए बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ पाएं और आपके लिए ये बेनिफिट करें। अगर आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि आपको यह वीडियो देख करके किसी भी प्रकार का फायदा हुआ है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करा करें। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर में नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है। अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए ये मान लीजिए हमारी कोई नदी है जो कि इस समय फ्लो कर रही है। अब क्या होता है कि जब हमारी नदी फ्लो करती है, मान लीजिए इस समय मानसून का सीजन है, नदी फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, नदी में जल हो जाएगा ज़्यादा। और जब जल ज़्यादा होगा तो नदी से जो पानी है वो बाहर आएगा और बाढ़ बाढ़ का कारण बनेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए मानसून का मौसम खत्म हो गया तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर सूखा पड़ सकता है, तो उस समय नदी में जल होगा नहीं, तो फिर हमें जल की जरूरत पड़ेगी। तो इसी उद्देश्य से सबसे पहले हमारे नदियों पे बांध बनाए जाने प्रारंभ किए गए। तो मुख्य रूप से बांध बनाए जाने का उद्देश्य यही था कि जल को रिजर्व किया जाए, यानी कि बाढ़ के समय में जल को रोका जाए जिससे बाढ़ ना आने पाए, और सूखे के समय में उसी जल का उपयोग किया जाए, चाहे पीने के लिए चाहे सिंचाई के लिए। तो ये हमारे हो गए बांध। तो ये हमारे दो फायदे थे उस समय बांध से। बाद में जब इस तरह से जलाशयों में जल को एकत्र किया जाने लगा, डैम के माध्यम से एकत्र किया जाने लगा, तो इनसे और बहुत सारी चीजें की जाने लगी, जैसे कि यहाँ से नहरें निकाली गई और इन नहरों के द्वारा सिंचाई कार्य किया जाने लगा। और उसके बाद में जब हमारा जल किसी भी रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाता है तो उसके पास काफी एनर्जी होती है, तो यहाँ पर उसी के माध्यम से बिजली के उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। तो यही हमारे होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी कि एक डैम से काफी सारी परियोजनाएं चल रही हैं, यानी कि काफी सारे फायदे हो रहे हैं। चाहे हम बाढ़ से सुरक्षा की बात करें, चाहे हम सिंचाई की बात करें, चाहे हम पेयजल की बात करें या बिजली उत्पादन की बात करें, तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं नदी घाटी परियोजना से। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, देखिए अगर मैं किसी नदी घाटी परियोजना के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी एक पार्टिकुलर डैम के बारे में बात कर रहा हूं। इस नदी पर हो सकता है एक से ज्यादा डैम बने हों और उन सारे डैम को मिला करके, उन सारे बांधों को मिला करके वह परियोजना चलाई जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने भाखड़ा नागल बांध के बारे में पढ़ा होगा जो कि हमारी सतलुज नदी पे है। तो यहाँ पर एक भाखड़ा हमारा डैम है और एक नागल डैम है, तो ये दोनों मिलकर के बनते हैं भाखड़ा नागल परियोजना, बांध परियोजना। तो इसीलिए आपको इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के सर्वाधिक चर्चित सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। तो सरदार सरोवर परियोजना के बारे में आपको काफी अच्छे से आइडिया भी होगा। तो चलिए पहले मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं। ये हमारा हुआ मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमारा है गुजरात, और इसके मध्य प्रदेश का जो पूरब में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अन्नूपुर। अन्नूपुर से अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, जिसका नाम है नर्मदा नदी। और इसी नर्मदा नदी के जो कुल मिलाकर के 30 बांध बनाए गए हैं, उन 30 बांधों से जो परियोजना चलाई जाती है उसी को हम कहते हैं सरदार सरोवर परियोजना। उसी को हम क्या कहते हैं, सरदार सरोवर परियोजना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पर बनाई गई है और अभी कुछ ही दिनों पहले इसका उद्घाटन भी हुआ है।
आपको कुछ जगहों पे यह तापी गुजरात में मिलेगा, यानी कि गुजरात के तापी जिले में, और कुछ स्थानों पर भड़ौच भी मिलेगा। तो कंफर्म कर लीजिएगा कि तापी में है या भड़ौच में है। तो आपने देखा लोकेशन हमारे सरदार सरोवर परियोजना की। तो अगर हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में, तो इससे मध्य प्रदेश और गुजरात तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ ही साथ राजस्थान और महाराष्ट्र भी इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वह हमारी नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सर्वाधिक इससे फायदा होता है गुजरात को सिंचाई के उद्देश्य से, और सबसे ज्यादा जो इससे बिजली बनाई जाती है वह बिजली सप्लाई होती है मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आरंभ हुआ था ये 17 सितंबर 2017 को, नर्मदा नदी पर निर्मित है। लाभान्वित राज्य इससे है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मिलेगा सर्वाधिक बिजली और सिंचाई सर्वाधिक मिलेगी गुजरात को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि हमारा शुरू किया गया था किसके द्वारा, मेधा पाटेकर के द्वारा, एक समाज सेविका थी मेधा पाटेकर। तो यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर अभी सरदार सरोवर परियोजना के पास ही जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसका भी उद्घाटन किया गया है। तो आपको पता होगा लगभग 182 मीटर इसकी लंबाई है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये हमारी पूरे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सरदार सरोवर परियोजना यानी कि सरदार सरोवर बांध के पास ही इसको स्थापित किया गया है गुजरात में। अब हम चलते हैं आगे। अगली हमारी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना। तो चलिए पहले मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं। ये हमारा हुआ हिमाचल प्रदेश, इसके पश्चिम में है पंजाब, और ऊपर है हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर नीचे हरियाणा भी है, और यहाँ पर उत्तराखंड है। हरियाणा के बगल में यही छोटा सा हमारा दिल्ली भी है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह हमारा कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर। सतलज नदी जो कैलाश मानसरोवर के पास से राकसताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब को होते हुए चली जाती है या पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में या सिंधु नदी से मिलती है कहाँ पर? मिथान कोट के पास। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो हिमाचल प्रदेश में ही हमारी स्थापित है कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना। तो ध्यान रखिएगा भाखड़ा और नागल नाम के दो बांध हैं, भाखड़ा और नागल नाम के दो बांध हैं, जिन दोनों बांधों की सहायता से यह परियोजना चलाई जाती है। मुख्य रूप से यह स्थित है हमारे बिलासपुर जो कि है हिमाचल प्रदेश में, और यहीं पर हमारा गोविंद सागर जलाशय भी है। आपसे पूछा जाता है गोविंद सागर जलाशय से संबंधित, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यह जो हमारा बांध है जिसकी हम बात कर रहे हैं भाखड़ा नागल परियोजना, इससे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये तीनों तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ ही साथ इससे राजस्थान को भी जल दिया जाता है, और जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वह हमारे चंडीगढ़ और उसके अलावा दिल्ली को भी मिलता है। चंडीगढ़ यहाँ पर स्थित है, ये कोने हरियाणा के, और यहाँ पर हमारी है दिल्ली। तो इनको भी जो विद्युत का उत्पादन होता है वह दिया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम सतलज नदी पे कुछ अन्य बांधों की बात करें, तो यहाँ पर एक बांध है हमारा हिमाचल प्रदेश में है, नाथपा झकड़ी बांध जो कि जल विद्युत परियोजना है। उसके अलावा इसके पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोल्डम बांध। कौन सा? कोल्डम बांध। तो ध्यान रखिएगा कोल्डम बांध भाखड़ा है ही, नागल है ही, इसके अलावा नाथपा झकड़ी बांध, ये सारे हमारे हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें तो ये दोनों मुख्य रूप से सर्व करते हैं हिमाचल प्रदेश को, लेकिन ये हमारे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों को सिंचाई की सुविधा या विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रिहंद परियोजना के बारे में। रिहंद परियोजना जिसे हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं, या इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। किसके? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो आइए लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर हमारा हुआ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमारा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पूरब में है छत्तीसगढ़ जो कि पहले पार्ट था किसका? मध्य प्रदेश का। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है बिहार। तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिहंद नदी यहीं से निकलती है। ये हमारा स्थान है मातीरंगा पहाड़ी। मातीरंगा की पहाड़ियों से एक नदी ओरिजिनेट करती है और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले से होती हुई यह इंटर करती है हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो सोनभद्र जिले में ही इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध या रिहंद परियोजना, यहीं से चलाई जाती है।
तो आपको ध्यान रखना है रिहंद परियोजना जो कि बनी है कहाँ पर, सोनभद्र में रिहंद नदी पर। तो यह आपके लिए आसान सी चीजें हैं। अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं फरक्का परियोजना के बारे में। किसके बारे में? फरक्का परियोजना या फरक्का बैराज भी इसे कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो लोकेशन देखते हैं, यहां पर हमारा है बिहार, बिहार के नीचे है झारखंड, और इन दोनों के पूरब में है हमारा पश्चिम बंगाल। इन दोनों के पूरब में कौन सा है? हमारा पश्चिम बंगाल राज्य। तो बिहार से आपको पता है होकर के हमारी गंगा नदी जाती है, और गंगा नदी फाइनली इंटर करती है झारखंड के बॉर्डर से होती हुई पश्चिम बंगाल में, और इसी गंगा नदी पर बनाया गया है हमारा फरक्का परियोजना, फरक्का बैराज, जहां से हमारी गंगा नदी दो भागों में बंटती है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, नहीं आप गलती कर सकते हैं। फरक्का बैराज तक जब हमारी गंगा नदी पहुंचती है तो इसका नाम होता है गंगा, इसका नाम क्या होता है? गंगा। लेकिन फरक्का बैराज को क्रॉस करती है तो पश्चिम बंगाल में इसका नाम पुनः हो जाता है भागीरथी, जो इसका नाम था उत्तराखंड में, और उसके बाद में जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम होता है पद्मा। तो आप कह सकते हैं गंगा नदी के हमारे बहुत सारे नाम है, तो आपको गलत नहीं करना है। तो गंगा नदी पर यह बनाया गया है और इसे हम कहते हैं फरक्का बैराज, या यह बना हुआ है हमारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बना हुआ है, और यहीं फरक्का बैराज से हमारी एक और नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली। तो हुगली और उधर जाके हमारी भागीरथी। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारी फरक्का बैराज है यह किस नदी पे है, तो अगर आपसे हुगली या हुगली के अलावा अगर आपसे भागीरथी भी कहा जाता है तो यह दोनों आपके सही होंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बारीकियां हैं, और ये छोटी बारीकियों के माध्यम से आप परीक्षा में गलत कर सकते हैं प्रश्नों को, अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा। फरक्का के बाद में अगली हमारी परियोजना है बगलिहार परियोजना। अगली हमारी परियोजना कौन सी है? बगलिहार परियोजना। तो आइए लोकेशन देखते हैं, ये हमारा हुआ जम्मू कश्मीर, यहां पर है हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में एक हमारा पास है, इसी पास से होकर के निकलती है हमारी एक नदी जिसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है चिनाब नदी। इस नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी, जो कि बारालाचा दर्रा से निकलती है, बारालाचा पास से होकर के निकलती है, और इसी नदी पर बगलिहार परियोजना चलाई गई है। आपको मैं बता दूं कि इस बगलिहार परियोजना पर पाकिस्तान ने काफी आपत्ति जताई थी, काफी बार इसको भारत पाक परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि अगर ये डैम बनाया जाएगा, बगलिहार परियोजना को शुरू किया जाएगा भारत में, तो इससे जो उनको मिलने वाला जल है उसमें कमी हो जाएगी। तो काफी ज्यादा विवादित था, बाद में विश्व बैंक के मध्यस्थता से इसको चालू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है बगलिहार जल विद्युत परियोजना के बारे में। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? बारालाचा दर्रा से। अब हम आगे चलते हैं, 2004 से ये हमारा आरंभ हुआ था। अगला हमारा है इडुक्की परियोजना। अगला हमारा कौन सा है? इडुक्की परियोजना। तो इडुक्की परियोजना, इसके लिए हम चलेंगे केरल में। केरल में हमारी एक नदी है, इस नदी का नाम है पेरियार। हालांकि अगर हम बात करते हैं पेरियार नदी की, तो यह शिवगिरी सुंदरमाला से निकलती है तमिलनाडु के। कहाँ से? तमिलनाडु के सुंदरमाला या शिवगिरी से यह नदी निकलती है, केरल में इंटर करती है, और इसी पर हमारी है इडुक्की परियोजना। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी बड़ा जलाशय बनाया गया है, काफी सारे बांध भी इस पर बनाए गए हैं, और इन्हीं बांध में जब पानी को एकत्र कर लिया गया था बहुत ज्यादा मात्रा में, और इस साल जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो इसी के कारण केरल में इस बार काफी भीषण बाढ़ भी आई थी। तो इडुक्की परियोजना केरल में बाढ़ के लिए भी जिम्मेदार थी, क्योंकि इसमें एक अनुमान से ज्यादा पानी को एकत्रित कर लिया गया, यह समझकर कि शायद अब ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश की मात्रा बढ़ती गई, और फाइनली एक समय ऐसा आया जब बांध को मजबूरी में खोल दिया ना पड़ा, और खोल देने के बाद में पूरा जो हमारा केरल है यह जलमग्न हो गया था। तो काफी भीषण तबाही मचाई थी इस बाढ़ ने केरल में, तो इसके बारे में आपको पता होगा। अब हम चलते हैं आगे, अगला हमारा है चंबल घाटी परियोजना। कौन सा है? चंबल घाटी परियोजना। तो इसके लिए हम चलेंगे पहले राजस्थान, फिर यहां पर हमारा हो उत्तर प्रदेश, और इसके नीचे हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो हमारा जनापांव हिल है, जनापांव हिल से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, जिसका नाम है चंबल नदी। तो इस पर बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया है, और उन्हीं बांधों की सहायता से हमारी पूरी चंबल घाटी परियोजना आयोजित होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि चंबल घाटी परियोजना हमारी बनाई गई है कहाँ पर? चंबल नदी पर, जो बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। तो आइए इन बांधों को देख लेते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी प्रश्न इनसे आपको देखने को मिलेंगे।
पहला हमारा है गांधी सागर बांध, जो कि है मंदसौर में। कहां पर? मंदसौर हमारा मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मंदसौर हमारा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, पहुंच जाएंगे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में हमारा है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में पुनः हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे कोटा। कोटा में हम जब पहुंचेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध आपको मिलेगा कोटा में। और कोटा में ही एक और बांध बना हुआ है जिसे हम कहते हैं कोटा बैराज। तो ये जो सारे बांध आपको दिख रहे होंगे, इन सारे बांधों को मिलाकर के चंबल नदी घाटी परियोजना चलती है। और ध्यान रखिएगा, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और राजस्थान चंबल घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। चंबल के बाद में अगली हमारी है हीराकुंड परियोजना। कौन सी? अगली हमारी है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना के लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले कहां पर? उड़ीसा में। कहां पर हम चलेंगे? उड़ीसा में। उड़ीसा में यहां पर अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर एक स्थान है जिसे हम लोग दंडकारण्य का पठार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार है, और यहीं से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। जिसका नाम क्या है? महानदी। और इसी महानदी पर हमारी स्थापित की गई है हीराकुंड परियोजना। कौन सी? हीराकुंड परियोजना। ध्यान रखिएगा कि ये जो हीराकुंड परियोजना है, ये संपूर्ण विश्व की सबसे लंबा बांध है। यानी कि ये बांध हमारे पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है वह लगभग 4801 मीटर है। कितना? 4801 मीटर, यानी कि 4800 मीटर आप मान सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, जो कि बना हुआ है महानदी पर। तो ये चीजें आपने समझी, और ये इससे पूरी तरीके से उड़ीसा को ही सप्लाई मिलती है। अगला हमारा है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना, तो आइए देखते हैं। ये हमारा हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे हुआ कर्नाटक, यहां पर हमारा हुआ तेलंगाना, और तेलंगाना के पास यहां पर हुआ आंध्र प्रदेश। यहां पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महाबलेश्वर। क्या है? सतारा जिले में है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के सतारा जिले में है महाबलेश्वर। और वहीं से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। जिसका नाम है कृष्णा नदी। और यहीं पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक हमारा जिला है तेलंगाना का, जिसका नाम है नालगोंडा। इसका नाम है नालगोंडा, नलगोंडा या नालगोंडा जो भी हो, तेलंगाना में। और इसी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों जो राज्य हैं वे लाभान्वित होते हैं नागार्जुन सागर परियोजना से। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं जायकवाड़ी परियोजना के बारे में। किसके बारे में? जायकवाड़ी परियोजना के बारे में। तो इसके लिए हम चलेंगे महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप चलेंगे नासिक। कहां हम चलेंगे? नासिक। और नासिक के पास से ही हमारा जो त्र्यंबकेश्वर है, आपको पता होगा, आप लोगों में से जो लोग गए होंगे त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पर शिव भगवान की प्रतिमा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगती है। यहीं से हमारी निकलती है एक नदी, और इसका नाम है गोदावरी नदी। याद रखिएगा कि गंगा के बाद में भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वह गोदावरी नदी ही है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। किसकी है सहायक? गंगा की। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके हमेशा ये सारी चीज़ें जुबान पर होनी चाहिए कि तुरंत आपसे किसी ने पूछा, आपने तुरंत तपाक से जवाब दे दिया। तो यहां से हमारी जो नदी निकलती है गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक से, इसी पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है कौन सा? जायकवाड़ी परियोजना। और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। कहाँ पर है ये? औरंगाबाद में। नासिक में ही हमारी एक और नदी है। नासिक में ही हमारी एक और नदी है, इसका नाम है गिरना नदी। इसका नाम क्या है? गिरना नदी। और इस पर एक परियोजना है गिरना परियोजना। उसके बाद में आप पुनः आएंगे सतारा पर, जो हमारी कृष्णा नदी है उसकी एक सहायक नदी है। कौन सी? कोयना नदी। तो कोयना नदी पर भी एक परियोजना है कोयना परियोजना। ध्यान रखिएगा, इन सारी परियोजनाओं से जो लाभान्वित राज्य है वह हमारा महाराष्ट्र ही है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करेंगे टिहरी नदी घाटी परियोजना के बारे में। टिहरी जो कि सबसे ऊंचा नदी बांध है, नदी पर बनाया गया सबसे ऊंचा बांध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं टिहरी की, इसके लिए हमें चलना होगा उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में, यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से ही ओरिजिनेट होती है गोमुख ग्लेशियर से हमारी गंगा नदी। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी इसका नाम गंगा नहीं है। कहाँ तक? जब तक इसमें आके अलकनंदा नहीं मिलती है देवप्रयाग। आप में से कुछ लोगों ने गणेश प्रयाग भी कहा था, लेकिन वो देवप्रयाग ही है। देवप्रयाग में आकर के मिलती है हमारी अलकनंदा। तो उत्तराखंड में टिहरी जिले में, यहाँ पर टिहरी जिला है, टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल जिले में गंगा नदी में आकर के, यानी कि भागीरथी में आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है भिलंगाना नदी। भिलंगाना नदी या भिलंगाना जो भी हो, इस नदी में, इसके बारे में मैंने आपको नदी वाले वीडियो में बताया था। और यहीं पर हमारा एक डैम बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं टिहरी डैम, और यहीं पर हमारी है टिहरी परियोजना। औरंगाबाद यहाँ पर गलत हो गया, तो ये आपको नहीं देखना है। पीडीएफ में मैं आपको एडिट करके दे दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो भिलंगाना नदी जो कि ये भी यहीं से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से ही, और उत्तरकाशी से होते हुए भिलंगाना आकर के मिलती है टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी से, और इसी पर टिहरी परियोजना बनाई गई है। तो आपको शायद पता चल गया होगा। अब हम इसके बाद अगर बात करते हैं टिहरी की, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि यह सबसे ऊंची परियोजना है। आगे हम बात करेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में। किसके बारे में? कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो इसके लिए हम कहाँ चलेंगे? बिहार में। कहाँ पर चलेंगे? बिहार में। और ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी की खास बात क्या है कि ये अपने मार्ग को बदल देती है, ये अपने मार्ग को बदलती रहती है। तो बिहार के ठीक बीचों बीच से हमारी एक जो भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा गुजरती है, आपको ये पता होगा। और इसी गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी, जो कि सात धाराओं से आकर के मिलती है, बनती है कोसी नदी। और यहीं पर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर एक जो डैम बनाया गया है, यह जो परियोजना चल रही है, इसे हम कहते हैं कोसी परियोजना। ध्यान रखिएगा, बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में यह स्थापित है, और इससे लाभान्वित बिहार के साथ साथ हमारे नेपाल के कुछ जिले भी होते हैं। तो कोसी नदी घाटी परियोजना है कोसी नदी पर, कहाँ पर? बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर। कोसी के बाद में हमारी अगली परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो आइए देख लेते हैं, ये हमारा हुआ झारखंड, यहाँ पर हमारा हुआ पश्चिम बंगाल। तो दामोदर नदी हमारी ओरिजिनेट होती है झारखंड से। कहाँ से? यहाँ पर दामोदर नदी चंदवा, जो कि लातेहार जिले में है, वहां से ओरिजिनेट होती है दामोदर नदी, और फिर यह धीरे धीरे आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल में, और जा करके मिलती है किससे? गंगा नदी, या आप कह सकते हैं हुगली से। किससे? हुगली से यह हमारी दामोदर नदी मिलती है। इसी पर हमारी परियोजना जो चलाई जा रही है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इसमें भी बहुत सारी बांधे हैं, जैसे कि बेल पहाड़ी एक बांध है इस पर, तिलैया एक बांध है। तो ये सारे बांध इस पर बनाए गए हैं, और इन्हीं सभी बांधों से जो परियोजना चलती है उसे हम कहते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। ध्यान रखिएगा कि यह सबसे पुरानी परियोजना है। और अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में, तो यह हमारे भारत की सबसे पुरानी परियोजना है। मैंने आपको बताया कि आज़ादी के बाद में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और इसे पूरी तरीके से चलाने के लिए दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना की गई है, डीआरसी, या हाँ डीआरसी है, दामोदर रिवर कॉरपोरेशन, शायद डीवीसी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन शायद, हाँ डीवीसी है। 1948 में इसको प्रारंभ किया गया था, और यह एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसी कंपनी के द्वारा जितनी भी दामोदर नदी पर परियोजनाएं चलती हैं, या दामोदर घाटी में पूरी परियोजनाएं चलती हैं, उनको इसी के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो इस तरह से हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में जाना। अगला हमारा है माता टीला नदी घाटी परियोजना। कौन सी? माता टीला नदी घाटी परियोजना। तो आइए पहले देखते हैं, इसके लिए हम चलेंगे मध्य प्रदेश में, और ऊपर हमारा है उत्तर प्रदेश। ऊपर हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? झीरी। क्या है? झीरी, जो कि है सीहोर जिले में, और यहीं से हमारी निकलती है विंध्यन माउंटेन का यह हिस्सा है, जहां से हमारी निकलती है बेतवा नदी। बेतवा नदी आपको मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया था बेतवा के बारे में, और उसके बाद में यह इंटर करती है हमारे उत्तर प्रदेश में, यमुना में यह जाकर के मिल जाती है। तो बेतवा हमारे क्या है? यमुना की एक सहायक नदी है, और इसी पर कई सारे बांध बनाए गए हैं, जैसे कि हमारा पहला हुआ माता टीला परियोजना। कौन सा हुआ हमारा? माता टीला परियोजना,
जो कि कहां पर है, ललितपुर में, कहां पर है, ललितपुर में। उसके अलावा राजघाट बांध भी बनाया गया है ललितपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि राजघाट बांध को हम रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। किसको? राजघाट को हम रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य बांध जो बनाए गए हैं, इस पर परीक्षा बांध है हमारा झांसी में और धुरवारा बांध बना हुआ है ललितपुर में। माता टीला नदी घाटी परियोजना से हमारे दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ से हमारी जाती है केन नदी, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम से इन दोनों नदियों को जोड़ा भी जा रहा है, यानी कि केन बेतवा को आपस में जोड़ा जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि केन बेतवा को जोड़ा जा रहा है या किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, तो यह हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। तो इसी के साथ ही हमारा यह नदी घाटी परियोजना का वीडियो समाप्त होता है। आगे आप ज्योग्राफी के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग जिस टॉपिक पर कहेंगे उस पर मैं आगे वीडियो ज्योग्राफी में अपलोड करूंगा। तो आपने इस वीडियो को समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आप सभी का भविष्य काफी उज्ज्वल हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।